दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्री पंत की अगुवाई वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स और संजू सैमसंग की राजस्थान रॉयल के बीच आईपीएल का 2022 का 34वां मुकाबला हुआ है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्री पंत ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला लिया। पंत ने अपनी फ्लाइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, वही सैमसन भी किसी बदलाव के साथ उतरेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने पहली बल्लेबाजी करते हुए जोश बटलर के शतक के दम पर दिल्ली के सामने 223 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। बटलर ने 65 गेंदों पर 9 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 116 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस सीजन में उनका तीसरा शतक है। बटलर के अलावा देवदत्त पीडिकल ने 35 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। बटलर और पीडिकल के बीच पहला विकेट के लिए 155 रन की बड़ी साझेदारी हुई।